अभी तो वो समझता है, मम्मा पापा अम्मा अज्जा दादू दादी, वो समझता है कि कौन कौन है, एंड मासी बुआ, ही अंडरस्टैंड. सो आई थिंक इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग फेज. एंड अभी 15 दिनों में वो पूरे 2 साल का होने वाला है. तो इट्स द मोस्ट अमेजिंग टाइम, बिकॉज ये जो वक्त है जहाँ पे वो रोज एक नया वर्ड बोल रहा है, एक नई लाइन बोल रहा है, इट्स आई थिंक दे कैन नॉट बी अ बिगर गिफ्ट देन दैट फॉर मी. शिल्पा, फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स वेरी इजी, यू नो, इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सेलिब्रिटी और स्टार टू गेम एंड लूज वेट. हाउ डिफिकल्ट वाज इट, एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग टू गेट बैक टू द शेप एंड गेट दिस अवार्ड टुडे? I take it as a huge, huge compliment because it's researched, and I got to know that when the Nielsen guys do the research, it's a very it's really well carried out, and 61% of women voted for me being the yummy mummy. So I think that is a wonderful compliment for a mother. And they didn't just vote for me because I've gotten back to you know, my slim shape. They felt that as an all rounder, that I've been able to balance motherhood and my work and get back to shape. तो ये इससे बड़ा compliment कोई हो नहीं सकता. तो मेरे लिए ये एक film award से ज़्यादा important है. अभी तक आपकी मम्मा से पूछना पड़ता था और जब मदर्स डे आता था तो आपसे हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि कितना अलग है आपके लिए. पिछली बार वियान इतना बड़ा नहीं था मदर्स डे पे, लेकिन फिर भी राज ने केक काटा था मेरे लिए. तो इस साल पता नहीं क्या प्लान्ड है, लेकिन अब तो वियान बहुत कुछ समझता है. तो आई डोंट थिंक दे कैन बी अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन बीइंग अ मदर. रियली इसका मदर्स डे के साथ क्या ताल्लुक है? ओके मैम, हमने हमेशा सुना है कि वियान आपको हमेशा टोज पे रखता है, ही डजंट लेट यू यू नो गेट हिज अटेंशन ओवर. तो आप सारी न्यूली एक्सपेक्टिंग मम्मीज को क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने बच्चों को संभालने के लिए? मैं कौन होती हूँ यार टिप्स देने वाली. मुझे लगता है हर माँ जो करती है अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट ही करती है, और वो अनक्वेश्चनेबल है. तो मैं सल्यूट करती हूँ उन माओं को जो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को संभालती है, क्योंकि मैं मेरे पास हेल्प है, यू नो, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत हैंड्स ऑन मदर हूँ. लेकिन मैं काम भी करती हूँ, और ये मेरे चॉइस के मुताबिक मैं करती हूँ, क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगी अगर मैं घर पे बैठी रहूँ. क्योंकि आई वोंट गिव माई सन यू नो दैट काइंड ऑफ टाइम, एंड हाउ मच कैन यू डू विद अ चाइल्ड. बट जो मेरा मानना है, मेरा आपका सवाल क्या था? मैं पूरी तरह मतलब डाइग्रेस कर गई हूँ. बट व्हाट इज एग्जैक्ट? हाँ, टोज पे रखता है. लेकिन मैं, और आपने बोला कि क्या एडवाइस दूंगी मैं दूसरी माओं को, तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो भी करते हैं वी डू इट आउट ऑफ हार्ट, एंड एडवाइस की तो ज़रूरत ही नहीं है दूसरी माओं को. एंड एज फार एज मी बींग ऑन माई टोज, दैट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स जस्ट नॉर्मल. मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी बहुत हार्ड है और इसके बाद बस आसान होगा, बच्चा बाहर निकल आएगा, फिर बहुत आसान है. एंड देन यू फील द फर्स्ट 6 मंथ्स आर वेरी हार्ड, फिर उसके बाद बच्चा चलने लगता है, फिर बोलने लगता है. जब चलने लगता है तो हर जगह गिरता है, एंड यू आर स्केयर्ड कि उसको लग नहीं जाए, ये नहीं हो जाए. एंड एवरी फेज एक लर्निंग कर्व है माओं के लिए, पेरेंट्स के लिए. तो that keeps you on your toes and it's wonderful. Two more questions, then we have to leave. आपने अपनी मम्मा से ज्ञान को दी कोई ऐसी सीख?
अभी तो वियान बहुत छोटा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मम्मी हम लोगों के पैदा होने के एक साल बाद ही इमीडिएटली काम पे लग गई, वो भी वर्किंग मदर थी, तो ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहा है. और हम द वे वी हैव टर्नड आउट इज़ ऑल ड्यू टू माई मम एंड डैड. हम लोगों को बहुत वैल्यूज़ के साथ बड़ा किया गया है और मैं चाहती हूँ कि वही वैल्यूज़ मैं अपने बच्चे को दूँ. तो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ अपने मिडिल क्लास वैल्यूज़ को. मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करे और बाकी वो कुछ भी बने वो एक अच्छा इंसान हो बस. Nothing. I'm very, very proud of the Royals, and it's a wonderful team. And I think they're definitely going to get into the semis, and they deserve to be there. It's a wonderful team, and they're working really, really hard. आपको क्या फील होता है दोनों में, सिमिलैरिटी क्या है मतलब विवान में और आप में? वियान में या सिमिलैरिटी वो मुझे बहुत अजीब लगता है. वो मंदिर की घंटी सुनता है, मेरे घर में रोज पूजा होता है सुबह, तो मंदिर की घंटी सुनता है और वो पूजा करना चाहता है, वो ओम बोलता है, वो योगा करता है. सो वो काफी सारी सिमिलैरिटीज है. ही इज वेरी पता नहीं, वो जय जय करता है सब लोगों को. और मैंने कभी किसी 1.5 साल के बच्चे को देखा नहीं है कि वो मंदिर जाना चाहता है क्या, और वो हरे रामा हरे कृष्णा जाता है तो उधर डांस करता है सत्संग के वक्त. सो इट्स रियली वंडरफुल टू सी दीज ब्यूटीफुल क्वालिटीज इन माय चाइल्ड. थैंक यू. मैं रोज कुछ खास करती हूँ उनके लिए. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उन सारे लोगों से कि अपने पेरेंट्स को वैल्यू कीजिए. सिर्फ एक मदर्स डे या फादर्स डे का इंतज़ार मत कीजिए उनको बोलने के लिए कि आप उनसे प्यार करते हैं. एक कंसिस्टेंट कांस्टेंट रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं और आपको उस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए. तो सिर्फ मदर्स डे का इंतज़ार मत कीजिए. थैंक यू. थैंक यू.